हैमरिंग एक्शन ऑन द रेल्स इज कॉज्ड बाई, अभी अभी हमने डिस्कस किया है तो फिर से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। हैमरिंग एक्शन से क्या होता है, वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द रेल्स। बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाई अ बैलेंसिंग मासेस इन सेम प्लेन एंड इन डिफरेंट प्लेन्स कैन नॉट टेक प्लेस। क्या कहा जा रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास बाई बैलेंसिंग मासेज इन सेम प्लेन एंड डिफरेंट प्लेन कैन नॉट टेक प्लेस, ये बात गलत है, ऐसा ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। देखिए बैलेंसिंग ऑफ सिंगल मास, एक मास है ये वाला रेड वाला, इसको आपको अगर बैलेंस करना है तो आप इसी प्लेन में दूसरा मास, एक दूसरा मास लगाकर बैलेंस कर सकते हैं इसको, ठीक है, बैलेंस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, इसी प्लेन में, इसी जिस ये जो एम मास है इसी प्लेन में हमने एक एम वन आर वन डिस्टेंस पे हमने एक एम वन मास लगा रखा है बैलेंसिंग मास। अगर ये एम इंटू आर इक्वल्स टू एम वन इंटू आर वन हो जाए तो ये बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को तो बैलेंस करना है, एक ही तो मास है तो बैलेंस हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अगर हम चाहें तो इसी मास को, इसी एम मास को हम लोग दो अलग प्लेन में, दो अलग प्लेन में दो अलग मासेस लगाकर भी हम लोग बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैन नॉट टेक प्लेस लिखा हुआ है जबकि हो सकता है ऐसा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, ठीक है, यानी कि हो सकता है कर सकते हैं बैलेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉजिंग अनबैलेंस, ठीक है, अब जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जिसकी वजह से अनबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से अनबैलेंस हो रहा है उसमें क्या सच्चाई है, मतलब चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं, पहले देख लेते। देखिए ये आपका क्या है, एक शाफ्ट है जिसके ऊपर एक मास है एम, वो रोटेट कर रहा है, शाफ्ट रोटेट कर रही है, शाफ्ट रोटेट कर रही है और ये मास भी आपका रोटेट कर रहा है उसी के साथ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, मास है एम, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ये शाफ्ट, तो एम ओमेगा स्क्वायर, आर शाफ्ट के एक्सिस से इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो इस डिस्टेंस है वो है आर, तो एम ओमेगा स्क्वायर आर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है आउटवर्ड, बट जो डायरेक्शन है वो रोटेशन के साथ बार बार चेंज कर रही है, कभी इधर है 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 कभी इधर है, ठीक है, ये तो हो रहा है, डायरेक्शन ऑफ जो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो अनबैलेंस है उस वो चेंज हो रही है बार बार, ठीक है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से डायरेक्शन चेंजेस विद रोटेशन, डायरेक्शन चेंज हो रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो जबकि आपका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसके कारण क्या होगा, बेंडिंग ऑफ शाफ्ट होगा, यानी कि बेंड करेगा, ठीक है, बेंडिंग ऑफ शाफ्ट होगी। नेक्स्ट है, इन अ रिवॉल्विंग रोटर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिमेन्स बैलेंस्ड एज लॉन्ग एज सेंटर ऑफ मास ऑफ रोटर लाइज। वो कह रहे हैं कि अगर कोई रोटर है जो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रोटर है आपका रिवॉल्व कर रहा है ओमेगा से, तो जो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लगेगा कहाँ, लगेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, और उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज करेगी, वो पीछे हमने देख लिया। तो वो कह रहे हैं कि जो रोटर है, ये रोटर है आपका, उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, तो ये जो एक्सिस है ना, जो एक्सिस है शाफ्ट की, जो एक्सिस है उसके ऊपर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जब उसके ऊपर होगा तो आपका यहाँ पर लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, तब क्या लगेगा एम ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पर इसके सेंटर पे लगेगा, ठीक है, तो लाई करना चाहिए कहाँ, सेंटर की सॉरी एक्सिस के सेंटर पे, यानी एक्सिस के ऊपर, एक्सिस ऑफ द शाफ्ट के ऊपर होना चाहिए, ऑन द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट आपका सेंटर ऑफ मास रोटर का। आगे बढ़ते हैं, इफ़ अनबैलेंस्ड सिस्टम इज नॉट सेट राइट देन, तो क्या होगा, अगर अनबैलेंस्ड सिस्टम है कोई उसको हम बैलेंस ना करें तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टैटिक फोर्स, ठीक है, स्टैटिक फोर्स तो होगा ही, वो तो अलग बात है, वो तो वैसे भी हो जाता है, ठीक है, तो डायनेमिक फोर्स डेवलप होता है, यहाँ पर क्या होता है अनबैलेंस्ड सिस्टम को अगर आपने बैलेंस नहीं किया तो डायनेमिक फोर्स डेवलप करते हैं। आगे बढ़ते हैं, वॉट इज़ द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, यानी अनबैलेंस्ड फोर्स होने से क्या इफेक्ट आता है सिस्टम के ऊपर, लोड ऑन बीयरिंग, बिल्कुल सही, लोड बीयरिंग के ऊपर आता है, डेंजरस वाइब्रेशन, बिल्कुल सही, वाइब्रेशंस होते हैं सिस्टम में, स्ट्रेसेस इन वेरियस मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है, स्ट्रेसेस होते हैं वेरियस मेंबर में, स्ट्रेसेस आएंगे क्योंकि लोड बीयरिंग पे आ रहा है और अनबैलेंस्ड फोर्स है उसकी वजह से स्ट्रेसेस आएंगे, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, वॉट इज द इफेक्ट ऑफ रोटेटिंग मास ऑन द ऑफ द शाफ्ट ऑन द सिस्टम, मैंने पहले ही बताया कि भाई रोटेटिंग मास है अगर कोई तो वो क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा शाफ्ट को। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने डायग्राम भी बना रखा है,
कि मास है, तो ये क्या करेगा, बेंड करने की कोशिश करेगा शाफ्ट को, ठीक है, बार बार अलग अलग डायरेक्शन में, यानी ऐसे ऐसे करना शुरू करेगा, ठीक है शाफ्ट को। तो आगे बढ़ते हैं, बैलेंसिंग ऑफ रोट रेसिप्रोकेटिंग मास इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सेकेंड मास इन ऑर्डर टू काउंटरेक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास। कहा जा रहा है कि जो बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास है, उसमें क्या करते हैं आप लोग, एक दूसरा मास लगाते हैं टू काउंटरेक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ द फर्स्ट मास। तो पहली बात तो रेसिप्रोकेटिंग मास है ना, ये जो काम बताया जा रहा है इस क्वेश्चन में, वो किया जाता है कहाँ पर, जब आपका रोटेटिंग मास कोई होता है ना, रोटेटिंग मास होता है, तब आपका ये चीज़ किया जाता है कि कोई और मास लगाकर उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, काउंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं, लेट द डिस्टर्बिंग मास बी 100 kg एंड द रेडियस ऑफ रोटेशन बी 20 cm, द रोटेशनल स्पीड इज 50 rad/s, देन कैलकुलेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए कहा जा रहा है, तो आपको पता है, सिंपली पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला m(ω²r) होता है। मास गिवेन है 100 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन 20 cm यानी 0.2 m, ओमेगा 50 rad/s, फॉर्मूला लगाइए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का m(ω²r), और आप कैलकुलेट कर लीजिए आंसर 50 kN। 50 आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स रेडियली इनवर्ड्स एंड बेंड द शाफ्ट। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लगता है ना, रेडियली आउटवर्ड लगता है, कोई भी मास है जो रोटेट कर रहा है तो उस पर रेडियली आउटवर्ड की डायरेक्शन में लगता है आपकी एक्सिस के, ठीक है, तो ये बात गलत है यहाँ पर, और बेंड करता शाफ्ट को वो बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट आपका गलत है, फॉल्स। द मास यूज टू बैलेंस द डिस्टर्बिंग मास इज नोन एज, जो जो जैसे कि एक डिस्टर्बिंग मास हो गया आपका, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग कौन सा लगाते हैं, बैलेंसिंग मास लगाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज 25 kN एंड रेडियस ऑफ रोटेशन इज 20 cm, रोटेशनल स्पीड इज 50 rad/s, कैलकुलेट द डिस्टर्बिंग मास। ठीक है, वही वाला सवाल है जो पिछला हमने पहले किया, अब जो पहले हमने किया वही वाला सवाल है। तो इसमें देखिए क्या है, एफ आपका गिवेन है 25, ठीक है, और आपका एफ होता है m ω, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m ω²r, तो 25 इक्वल्स टू, ठीक है, m कितना है, m नहीं पता, m ही निकालना है, इंटू ω² कितना है, 50² इंटू रेडियस ऑफ रोटेशन 0.2 m, ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे, ठीक है, तो 25 इंटू 1000 कर देता हूँ, क्योंकि किलो न्यूटन में गिवन है, डिवाइडेड बाई 50², ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0.250, तो यहाँ से जो मास आया है निकल कर, वो आया है 50 kg, ठीक है, तो 50 kg आंसर है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द गिवन डाटा कैलकुलेट द अनबैलेंस्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन न्यूटन, डिस्टेंस फ्रॉम द शाफ्ट 0.2 है, मास है 100 kg, रोटेटिंग स्पीड है 1000 rpm, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मास है m, ठीक है, एक मास है m 100 kg, 0.2 m पे है रेडियस ऑफ, सॉरी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वेरी गुड, 1000 rpm पे रोटेट कर रहा है, आपसे पूछा गया है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऊपर लग रहा है उसकी वैल्यू पूछी गई है, m ω²r होती है। अब ओमेगा नहीं गिवेन है, यहाँ पर क्या गिवेन है, एन, तो 2π n/60 से ओमेगा निकाल लीजिए, ठीक है, ओमेगा निकालने के बाद मास 100 है, आर आपका 0.2 है, कैलकुलेट कर लीजिए एफ सी, यहाँ से आ जाएगा 219381, ऑप्शन बी, टिक लगाइए। आगे बढ़िए, इन बैलेंसिंग ऑफ सिंगल सिलेंडर इंजन, ठीक है, सिंगल सिलेंडर इंजन है, द रोटेटिंग अनबैलेंस इज कंप्लीटली मेड जीरो एंड सो ऑल्सो द रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस, कम्प्लीटली मेड जीरो एंड द रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस इज पार्शली रिड्यूस्ड एंड द रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस इज कम्प्लीटली मेड जीरो पार्शली रिड्यूस्ड एंड सो ऑल्सो द रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस। तो मैं आपको यहाँ पर साफ बता दूँ कि जब भी कोई सिंगल सिलेंडर इंजन है, ठीक है, यानी कि आप सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म मान लीजिए, तो उसके अंदर कोई भी रोटेटिंग मास है उसको तो आप कंप्लीटली बैलेंस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि रोटेटिंग मास को आप कंप्लीट बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन जो रेसिप्रोकेटिंग मास है यानी जो पिस्टन है उसको आप, उसकी वजह से जो इनर्शिया की वजह से जो अनबैलेंस आ रहा है उसको आप कंप्लीटली बैलेंस नहीं कर सकते, ठीक है, यानी रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस को आप कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, पार्शली कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट बी है, कंप्लीटली मेड
कम्प्लीटली मेड जीरो एंड रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस इज पार्शली रिड्यूस्ड, ये सही ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पीछे हम लोगों ने अभी देखा था ना सीएमआर, तो सीएमआर वही तो था, हमने रेसिप्रोकेटिंग मास को ही तो हम लोग बैलेंस कर रहे थे, तो सी पार्ट कर रहे हैं, रेसिप्रोकेटिंग मास जो है उसका सी पार्ट हम बैलेंस कर रहे हैं, तो पार्शली बैलेंस हो रहा है वो। और वहीं जो एम वन है उस सिस्टम का जो रिवॉल्विंग मास है एम वन, उसको हम लोग कम्प्लीटली बैलेंस कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा कम्प्लीटली बैलेंस हो रहा है। कौन सा? जो रोटेटिंग पार्ट है उनको हम कम्प्लीटली बैलेंस कर ले रहे हैं, और जो रेसिप्रोकेटिंग अनबैलेंस आ रहा है उसको हम पार्शियली बैलेंस कर पाते हैं। आगे बढ़ते हैं, लेट द डिस्टर्बिंग मास बी 50 kg, ठीक है, विद रेडियस ऑफ रोटेशन 0.1 है, इफ़ वन ऑफ द बैलेंसिंग मास इज 30 kg एट रेडियस ऑफ रोटेशन एट 1.1 मीटर, देन फाइंड द अदर बैलेंसिंग मास सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.2। कह रहे हैं कि एक डिस्टर्बिंग मास है 50 kg यहाँ पर, ठीक है, m 0.1 रेडियस ऑफ रोटेशन है उसकी, दूसरा जो मास है बैलेंसिंग मास है वो है 30 kg, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन है 0.1, वेरी गुड, और जो दूसरा और एक और बैलेंसिंग मास है m 2, उसका जो है मास नहीं गिवन है लेकिन रेडियस ऑफ रोटेशन गिवन है 0.2। तो मैं यहाँ बता दूँ कि जब भी कोई एक सिंगल मास होता है, ठीक है, और उसको आपको बैलेंस करना है, ये कंप्लीट रोटेशन में है तो कम्प्लीटली बैलेंस हो जाएगा। कैसे होगा? उसके लिए ये जो इक्वेशन है, यानी कि इक्वेशन आपकी होनी चाहिए, ये जो आपने सिस्टम बनाया है इस डायग्राम में, आप देखो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, इसका इधर लगेगा और इसका इधर लगेगा, तो ये सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट ऑफ टाइम पर बैलेंस होने चाहिए, यानी कि एम आर, देखो ओमेगा स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन है ना, ओमेगा कॉमन है ना, इस पूरी शाफ्ट का ओमेगा कॉमन है, तो ओमेगा उठा दिया है, हटा दिया है यहाँ से एम ओमेगा स्क्वायर आर में, तो खाली एम आर लिखा है, यानी कि ऊपर की तरफ एम आर, नीचे की तरफ एम वन आर वन, नीचे की तरफ एम टू आर टू, ये इक्वल होना चाहिए, ठीक है। साथ ही साथ मोमेंट किसी भी पॉइंट के अबाउट, यानी कि यहाँ पर आप ले लीजिए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, तो आप किसी भी पॉइंट के बाद मोमेंट भी लेंगे आप, ठीक है, मोमेंट भी लेंगे इन सारे फोर्सेस का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, ठीक है, तो लेकिन यहाँ मोमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ खाली फोर्सेस बैलेंस करके ही हो जाएगा काम। तो हमने ये इक्वेशन लिखी, इसके अंदर आप सारे वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया हमने, तो M2 आ गया यहाँ से, M2 आ गया हमारा 10 kg, तो यानी कि ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अ सिंगल मास डिफेक्ट नीड्स टू बी बैलेंस्ड बाई सिंगल बैलेंसिंग मास, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, सिंगल मास डिफेक्ट है, अनबैलेंस मास है, उसको आप सिंगल मास से भी बैलेंस कर सकते हैं एक ही उसी सेम प्लेन में लगाकर, या दो मास से भी बैलेंस कर सकते हैं अलग अलग प्लेन में लगाकर, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है, एक प्लेन से भी हो सकता है, डिफरेंट प्लेन से भी हो सकता है, दो मासेस के साथ भी हो सकता है, तो ये नीड्स टू भी यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये गलत बात है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, दो मास लगाकर भी किया सकता है बैलेंस, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं, इन अ सिस्टम टू मासेज आर यूज टू बैलेंस द अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है, फाइंड द मास ऑफ बैलेंसिंग मास विच हैज़ टू बी सिचुएटेड एट डिस्टेंस ऑफ 20 cm, इफ डिस्टर्बिंग मास इज 100 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन इज 0.1 मीटर, वन ऑफ द बैलेंसिंग मास इज 30 kg एंड रेडियस ऑफ 10 cm। जो पिछला क्वेश्चन था वो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, वही इक्वेशन, एक अनबैलेंस्ड मास है और दो बैलेंसिंग मासेज हैं, उन दोनों की इक्वेशंस आप लिखिए, एम आर इक्वल्स टू एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू, सारी वैल्यूज़ को लिखिए, यहाँ 100 दिया हुआ था, रेडियस ऑफ रोटेशन 0.1 है, यहाँ पर 30 दिया हुआ था बैलेंसिंग मास एक जो था उसका, और रेडियस ऑफ रोटेशन 0.1, एम टू निकालना था 0.2, उसका रेडियस ऑफ रोटेशन ऊपर गिवन है, तो सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें मल्टीप्लाई करेंगे, एम टू की वैल्यू आ जाएगी 7 by 0.2, यानी 35 पे टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अभी यहाँ पे तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आता था तो इसमें क्या है कि कपल को भी आपको बैलेंस करना पड़ता था, यानी कि इन फोर्सेस का कपल भी लेते थे आप लोग, ठीक है, वो बात मत भूलिएगा। इन द गिवन फिगर एम वन आपका गिवन है, मास एम वन 20 kg, एम टू 30 kg, एम 50 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ 1.2, रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ मेन मास यानी कि बैलेंसिंग अनबैलेंस्ड मास 0.3, एल है यहाँ पर, एल क्या है, पूरा यहाँ तक एल है, ये गिवन है आपका 1 मीटर, और कहा जा रहा है कि आप एल टू निकालिए, ठीक है, एल वन आपका गिवन है कि नहीं गिवन है, नहीं गिवन है, कोई बात नहीं। अब देखिए आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस कहाँ लगेंगे, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ एम वन आर वन, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम टू आर टू, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम आर ऊपर की तरफ, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि एल
टू निकालिए, ठीक है। अब एल टू निकालना है, लेंथ निकालना है किसके किसके बीच में, जो मेन मास एम है और एम टू के बीच में। तो अब यहाँ पे कपल लेना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा मोमेंट लेना पड़ेगा। अब मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, देखिए ये तो अननोन है ना, यहाँ आर टू इज अननोन, एम टू तो पता है लेकिन आर टू नहीं पता है, तो इस वाले फोर्स को तो आप ले ही नहीं सकते, ठीक है। अब एम वन आर वन पता है आपको, ये नोन है, एम आर पता है आपको नोन है, तो आप क्या करिए कि पॉइंट टू के अबाउट, इस टू पॉइंट के अबाउट इन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का मोमेंट ले लीजिए। तो क्या होगा, एम वन आर वन इंटू दिस डिस्टेंस एल इधर एंटी क्लॉक वाइज, और एम आर इंटू एल टू क्या हो जाएगा, एम आर इंटू एल टू क्या हो जाएगा, एम आर इंटू एल टू क्लॉक वाइज। तो इसलिए माइनस था तो हम उधर लेके चले गए, तो ये इक्वल होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए ना, पूरा बैलेंसिंग के लिए कपल भी मोमेंट भी बैलेंस होनी चाहिए। तो बस सारी वैल्यूज़ आपको पता है, एल आपको पता है, एल एल वन प्लस एल टू यानी कि एल वन प्लस एल टू आपका 1 मीटर पता था तो 1 लिख दें यहाँ पे, और एल टू नहीं पता है वो निकालना हमें, और एल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा एल टू, 4/15, कितना आ जाएगा 4/15, ठीक है, यानी 0.266, तो 0.26 आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए सेम क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर एम वन 10 kg, एम टू 30 kg, एम 50 kg, रेडियस ऑफ रोटेशन 0.3, एल 1 मीटर, एल 2.5। अब आर वन पूछा गया है, ठीक है, वही सेम क्वेश्चन है, आर वन पूछा गया है आपसे, ठीक है। अब आर वन पूछा गया है क्या क्या गिवन है, देखो यहाँ पर फिर से आर टू आपको नहीं पता है और बाकी ये सारी चीज़ें पता हैं, एम वन पता है, आर वन आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब दोबारा से हम क्या करने वाले हैं, हम फिर से इसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, इसी पॉइंट के अबाउट फोर्सेस का मोमेंट ले लेंगे। किस फोर्सेस का, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एम ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ओमेगा कोई मतलब है नहीं, कट जाएगा वो इक्वेशन लिखते समय, ठीक है। तो फिर से हम टेकिंग मोमेंट अबाउट टू लिखेंगे, तो एम वन आर वन इंटू टोटल एल इक्वल्स टू एम आर इंटू एल टू। एल टू गिवन है, एल टू 0.5 गिवन है, और एल गिवन है 1 मीटर, एम वन गिवन है 10, ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बाकी ये 50 गिवन है, 0.3 गिवन है, आप आर वन निकाल लोगे 0.75 मीटर, यहाँ पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अनबैलेंस्ड मास लीड्स टू वाइब्रेशन, बिल्कुल सही बात है, पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन एनी इंजन 100% ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मास कैन बी बैलेंस्ड डायनेमिकली, बिल्कुल गलत है, रेसिप्रोकेटिंग मास को तो 100% बैलेंस कर ही नहीं सकते। इन केस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी फोर्स इज हायर देन वैल्यू ऑफ प्राइमरी फोर्स, विचार करेंगे, ऐसा है नहीं, गलत है ये। इन केस ऑफ बैलेंसिंग ऑफ मल्टी मास रोटेटिंग सिस्टम डायनेमिक बैलेंसिंग कैन बी डायरेक्टली स्टार्टेड विदाउट स्टैटिक बैलेंसिंग डन टू द सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, ये काम हम लोग कर सकते हैं, यानी कि डायनेमिक बैलेंसिंग हम कर सकते हैं बिना स्टैटिक बैलेंसिंग किए हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फ्रॉम द गिवन डाटा फाइंड द बैलेंसिंग मास इफ आर इक्वल्स टू 0.2 रिक्वायर्ड इन द सेम प्लेन। देखिए कहा जा रहा है कि एक बैलेंसिंग मास आपको निकालना है, ठीक है, वो इसका रेडियस ऑफ रोटेशन 0.2 है। अब जो अनबैलेंस्ड मास है वो कितने हैं, 200, 300, 240, 260, यानी 4 अनबैलेंस्ड मास है जो एक ही प्लेन में लग रहे हैं, एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे 4 अलग अलग बैलेंसिंग मासेज हैं, उनके रेडियस ऑफ रोटेशन भी गिवन है, ठीक है, उनके बीच में जो एंगल है वो भी गिवन है, 45 डिग्री, 75 डिग्री, 135 डिग्री, आपस के एंगल है, 200 से 300 के बीच में 45, ठीक है, इस तरह से है। तो डायग्राम देख लेते हैं, ये कुछ डायग्राम इस तरह से बनेगा, जब सामने से आप देखोगे यहाँ बैलेंसिंग मास यहाँ 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 लगा हुआ है, तो सामने से देखोगे तो एक एंगल मिलेगा उन्हें। तो ए जो मास है, पहला जो मास है 200 केजी वाले, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लगा लिया, रख लिया, उसके रिस्पेक्ट में जो दूसरा है 300 वाला, उसके बीच में 45 डिग्री है, और दूसरे और तीसरे के बीच में 75 डिग्री है, तीसरे और चौथे के बीच में 135 डिग्री है, वो हमने बना लिया, डायग्राम बन के तैयार हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रेडियली आउटवर्ड लग रहे होंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम लोग, पहले तो बनाते हैं फोर्स पॉलीगन, और दूसरा बनाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, कपल पॉलीगन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पर हमें कपल पॉलीगन बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि सेम प्लेन में सारे फोर्सेज, सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज सेम प्लेन में है, यानी सेम प्लेन यानी एक ही पॉइंट पे है, तो यहाँ पर हमें कपल पॉलीगन बनाने की जरूरत नहीं, फोर्स पॉलीगन से काम चल जाता है, ठीक है, अननोन निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम अब पॉलीगन बनाने नहीं जा रहे हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन एनालिटिकली करेंगे, एनालिटिकली, ग्राफिकली ना करके हम लोग एनालिटिकली कर सकते हैं। दो तरीके से हम लोग बैलेंसिंग मास निकाल सकते हैं, एक ग्राफिकली और एक एनालिटिकली, ठीक है। तो हम लोग यहाँ एनालिटिकली काम करते हैं, तो ये पहला है मास, दूसरा मास, तीसरा मास, चौथा मास, यहाँ मास लिखा हुआ है, यहाँ रेडियस ऑफ रोटेशन लिखा हुआ है। अब हमने क्या लिखा है, ये है हमारा एम आर कॉस थीटा, और ये हमारा है एम आर साइन थीटा, यानी कि सबका हमने
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, सारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लिया सारे फोर्सेस का, ठीक है, चार फोर्सेस आएंगे, चारों के, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, चारों का हमने निकाल लिया, ठीक है, अलग अलग निकाल लिया, कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो इनका सम आया, इन चारों का सम आया हॉरिजॉन्टली वो 21.6 और जो वर्टिकली कम आया वो 8.5 आया, ठीक है। अब इसी को तो बैलेंस करना है, यही रिजल्टेंट है, इनका रिजल्टेंट आया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, इसी को बैलेंस करना है। किससे बैलेंस करना है? बैलेंसिंग मास एम से। कहाँ लगाना है, कितने रेडियस ऑफ रोटेशन पे? 0.2 पे। तो भाई इन इसका जो है, ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, इनका रिजल्टेंट निकाल लीजिए आप। रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये कर दिया हमने, ठीक है, 21.6 का स्क्वायर प्लस 8.5 का स्क्वायर, यहाँ से रिजल्टेंट आ गया 23.12। अब ये जो एम आर है, यानी कि जो बैलेंसिंग मास है, उसका जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो अगर इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है, इसके रिजल्टेंट के बराबर हो जाता है, तो आपका फोर्स सिस्टम आपका जो है बैलेंस हो जाएगा। तो आर तो गिवन था ही, मास निकालना था, ये मास निकाल लिया, यहाँ से कितना आ गया मास देख लेते हैं, 115.7 kg, लगभग 116 kg, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा नहीं वैसे, लेकिन मैंने यहाँ बता दिया आपको तरीका थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं, फिर इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई वो जो बैलेंसिंग मास है वो कितने एंगल पे लग रहा होगा। तो भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आया है आपका और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, तो वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो रिजल्टेंट आया था उसका वर्टिकल और उसका जो हॉरिजॉन्टल है उसको डिवाइड कर देंगे, वो टेन थीटा के बराबर होता है, वहाँ से थीटा आ जाएगा आपका 21.48 डिग्री, ठीक है, 21.48 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल मेथड गिव्स बेस्ट रिजल्ट, गलत बात है, एनालिटिकल मेथड आपका बेस्ट रिजल्ट देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई एनालिटिकल में आप फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं, ग्राफिकल में आप जब पॉलीगन बनाएंगे, जब वेक्टर डायग्राम बनाएंगे, तो वहाँ गलती हो सकती है, ह्यूमन एरर हो सकता है, तो वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं देगा जितना एनालिटिकल मेथड देगा। इफ़ ऑल द मासेज आर इन वन प्लेन, देन वॉट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मासेज विच कैन बी प्लेस्ड इन द सेम प्लेन। भाई अगर सारी मास एक प्लेन में है तो कितने भी मास लगा दो, ठीक है, बैलेंस हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 2, 3, 4, 6 से कोई फायदा नहीं है, नो लिमिटेशन, कितने भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ द रोटेशन स्पीड ऑफ द शाफ्ट इंक्रीजेस द बैलेंसिंग मास मस्ट ऑल्सो इंक्रीज। ऐसा नहीं है, ठीक है, रोटेशन ऑफ शाफ्ट इंक्रीज करने से बैलेंसिंग मास आपका नहीं बढ़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देखो बी इंटू बी, ठीक है, या एम इंटू आर, तो चाहे आप मास बढ़ाओ चाहे रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ाओ, दोनों ही ऑप्शन है ना आपके पास। ऐसा जरूरी नहीं है कि मास ही बढ़ाना पड़ेगा, रेडियस ऑफ रोटेशन बढ़ा दो, समझ रहे हैं, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है। तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इफ ऑल द मासेज आर इन वन प्लेन देन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज पॉसिबल। सारे मास एक ही प्लेन में है तो क्या कंडीशन पॉसिबल है? रिजल्टेंट ओनली इन हॉरिजॉन्टल, रिजल्टेंट ओनली इन वर्टिकल, सिस्टम रिमेन्स अनबैलेंस्ड, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो सिस्टम रिमेन्स अनबैलेंस्ड ऐसा तो नहीं है भाई, अगर एक ही प्लेन में सारे मासेस लगे हुए हैं, एक ही प्लेन में, ठीक है, एक ही प्लेन में सारे मासेस लगे हुए। सामने से दिखाता हूँ मैं, सामने वाला डायग्राम बनाते हैं हम लोग, ये है मास, ये है मास, ये है मास, ये है मास, ये लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्सिस है। तो अब भाई रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल होगा ये भी बिल्कुल सही नहीं है, रिजल्टेंट वर्टिकल होगा ये भी बिल्कुल सही नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों में होगा, सिस्टम रिमेन्स अनबैलेंस ये भी नहीं सही है, तो नन ऑफ द अबव ऑप्शन आपका सही है। द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स, अब देखिए अभी तक प्राइमरी की बात हुई थी, अब सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स की बात हो रही है, ठीक है। सेकेंडरी आपको पता है, सेकेंडरी हमने पीछे बताया आपको, इफ द सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस बाई रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ द सर्टेन सिलेंडर ऑफ अ गिवन इंजन विद क्रैंक रेडियस आर कनेक्टिंग रॉड लेंथ एल कैन बी कंसिडर्ड एज इक्वल टू प्राइमरी अनबैलेंस फोर्स प्रोड्यूस बाई सेम वेट हैविंग, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि जो सेकेंडरी फोर्स था, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स था, जब उसको हम लोग क्या करने जाते हैं, बैलेंस करने जाते हैं, तो हम यहाँ मान के चलते हैं कि एक इमेजिनरी क्रैंक है, ठीक है। हम क्या मानते हैं, एक जो ओरिजिनल क्रैंक है, एक तो एक्चुअल क्रैंक है यहाँ पर, एक मानते हैं हम लोग इमेजिनरी क्रैंक, उसके ऊपर कौन सा मास लग रहा होगा, एम, ठीक है। और वो जो क्रैंक है वो हम मानते हैं, यहाँ सारी बात मानने में चल रही, उसको हम मानते हैं कि 2 ओमेगा से रोटेट कर रही है, और ये जो क्रैंक है उसका एंगल हम मानते हैं 2 थीटा, यानी कि जो आपका एक्चुअल थीटा था एक्चुअल क्रैंक का, उसका दुगना, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो जो रेडियस है, ये जो क्रैंक की रेडियस है, ये जो ओ ए डैश है, उसकी वैल्यू क्या है, तो वो आर बाई 4n होती है, वो क्या होती है, आर बाई 4n, और n क्या होता है आपका 4n होता है n बाई l बाई r, तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बाई 4l, इसकी वैल्यू क्या मानी जाती है, इसकी आर स्क्वायर बाई 4l, ठीक है।
कंपैरिजन के लिए एक्चुअल क्रैंक और इमेजिनरी क्रैंक सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स को जब बैलेंस करते हैं तो हम लोग ये इमेजिनरी क्रैंक मानते हैं, ठीक है। उसकी सारी डेफिनेशन गिवन है कि मास एम होगा, टू ओमेगा से रोटेट करेगा, अगर क्रैंक ओमेगा से कर रहा है तो ये टू ओमेगा, अगर क्रैंक थीटा एंगल पे तो वो टू थीटा, ठीक है। क्रैंक रेडियस अगर आर है तो ये इसकी रेडियस हो जाएगी आर स्क्वायर बाई फोर एल, तो इक्वलेंट टू क्रैंक रेडियस आर स्क्वायर बाई फोर एल रोटेटिंग एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ द इंजन, ठीक है। तो ये ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, ट्वाइस द स्पीड ऑफ इंजन, ये ऑप्शन आपका सही है। द इफेक्ट ऑफ हैमर ब्लो इन अ लोकोमोटिव कैन बी रिड्यूस्ड बाई, ठीक है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, डिक्रीजिंग द स्पीड, स्पीड को डिक्रीज करके एंड यूजिंग टू और थ्री पेयर्स ऑफ व्हील कपल टुगेदर, ठीक है, दो तीन पेयर ऑफ व्हील को कपल करके टुगेदर और स्पीड को भी कम करके आप हैमर ब्लो के इफेक्ट को कम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर एसोसिएटेड विद कंप्लीट डायनेमिक बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, देख लेते हैं। रिजल्टेंट कपल ड्यू टू ऑल इनर्शिया फोर्स इज जीरो, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू फोर्स आर जीरो बट नॉट ड्यू टू कपल्स, ये सही नहीं है। द सिस्टम इज ऑटोमेटिकली स्टैटिकली बैलेंस, बिल्कुल सही बात है, ऑटोमेटिकली स्टैटिकली बैलेंस्ड भी हो जाएगा, अगर आपने डायनेमिक कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो स्टैटिक बैलेंसिंग भी हो जाती है उसकी। सेंटर ऑफ मासेज ऑफ द सिस्टम लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही है। तो वन थ्री एंड फोर, डी ऑप्शन वन थ्री एंड फोर ओनली करेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्विंग कपल ड्यू टू पार्शियल बैलेंस ऑफ प्राइमरी एंड बैलेंस फोर्स इन लोकोमोटिव इज, ठीक है, अब देख लो फार्मूला तो हमें पता है ना, फार्मूला तो हमें, तो देखो फार्मूला तो हमें पता है ना, ये वाला फार्मूला हमें पता है, तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या है, तो देख लेते हैं। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेसिप्रोकेटिंग मास, बिल्कुल गलत है, ये तो बात नहीं सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन्स ऑफ द टू सिलेंडर्स, ये भी नहीं सही है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन्स ऑफ द टू, ये भी नहीं सही है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन्स, देखो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर लाइन क्या होता है, ए, तो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है, देखो ए बाई टू है ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनली तो है, तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। इन लोकोमोटिव द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग रॉड लेंथ टू क्रैंक रेडियस इज केप्ट वेरी लार्ज इन ऑर्डर टू, देखिए ये कह रहे हैं कि एन को बहुत ज़्यादा रखते हैं, एन को बहुत ज़्यादा रखते हैं, क्यों रखते हैं। अब आपको पता है कि प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स में आपका एन नहीं आ रहा था प्राइमरी में, लेकिन सेकेंडरी में आपका एन आ रहा है, ठीक है, नीचे के साइड में, तो जितना ज़्यादा एन होगा, एन जितना ज़्यादा होगा सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स उतना ही कम होगा, तो इसीलिए हम लोग लोकोमोटिव्स में एन की वैल्यू ज़्यादा रखने की कोशिश करते हैं टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस। आगे बढ़ते हैं। इन केस ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव्स द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज कॉल्ड हैमर ब्लो, बिल्कुल सही है। एंड दिस हैज़ टू बी लिमिटेड बाई प्रॉपर चॉइस ऑफ बैलेंसिंग मास एंड इट्स रेडियल पोजिशन, बिल्कुल सही बात है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होता है, हैमर ब्लो होता है, तो ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है, वो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। क्या डिस्कस कर चुके हैं कि हैमर ब्लो क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज हैमर ब्लो, ठीक है। मल्टी सिलेंडर इंजन्स आर डिजायरेबल बिकॉज ओनली बैलेंसिंग प्रॉब्लम्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है, ये बात सही है। ओनली फ्लाई व्हील साइज इज रिड्यूस्ड, ये भी बात सही है, और बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी के साथ हम लोग जाएंगे कि बैलेंसिंग प्रॉब्लम भी कम होती है और फ्लाई व्हील का साइज भी हमें फिर कम का साइज भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हेन द प्राइमरी डायरेक्ट क्रैंक ऑफ रेसिप्रोकेटिंग इंजन मेक्स एंगल थीटा, यानी जो मेन क्रैंक है वो थीटा एंगल लाइन ऑफ स्ट्रोक से बना रहा है, तो सेकेंडरी डायरेक्ट क्रैंक, सेकेंडरी का मतलब जो सेकेंडरी वाला था ना, जो इमेजिनरी क्रैंक थी, वो कितना एंगल बनाएगी लाइन ऑफ स्ट्रोक से, आपको पहले ही बता चुके हैं टू थीटा, तो टू थीटा लगाइए। आगे बढ़िए। सेकेंडरी फोर्सेज इन रेसिप्रोकेटिंग मास ऑन इंजन फ्रेम आर, प्राइमरी फोर्स के से कंपैरिजन करना है, तो आपको पता है ना कि जो सेकेंडरी है वो कितनी स्पीड से घूम रहा है, टू ओमेगा से ना, दुगनी स्पीड से, तो ट्वाइस हो जाएगी ना उसकी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी फोर्स की रिस्पेक्ट में, तो ट्वाइस हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। द प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक विद द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज, ठीक है, प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स पूछा जा रहा है, आपको पहले ही हमने डिस्कस कर दिया था कि प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा, कब मैक्सिमम होता है, जब जीरो होता है एंगल, क्रैंक एंगल जब 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर तो भाई दो ऑप्शन आ गए, दो ऑप्शन जीरो एंड 180 डिग्री, तो जीरो के साथ जाएंगे हम, जीरो के साथ जाएंगे,
ठीक है। क्यों जीरो के साथ जाएंगे कि जब जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू होगी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये वाली वैल्यू होगी। जब 180 डिग्री रखेंगे तो माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर आएगी, तो इसलिए हम जीरो के साथ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द पार्शियल बैलेंसिंग मीन्स बैलेंसिंग पार्शली द रिवॉल्विंग मास, बिल्कुल गलत है। पार्शली बैलेंसिंग पार्शली द रेसिप्रोकेटिंग मास, बिल्कुल सही है। ये रेसिप्रोकेटिंग मास को ही तो हम लोग बैलेंस करने के लिए पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टार्टिंग ऑफ लोकोमोटिव इन एनी पोजिशन द क्रैंक ऑफ द लोकोमोटिव विथ टू सिलेंडर आर एट प्लेस्ड एट, पहले ही बता चुके हैं 90 डिग्री। ठीक है, दो सिलेंडर इंजन है तो 90 डिग्री पे दोनों के क्रैंक एंगल होंगे। इन लोकोमोटिव द रेशियो ऑफ कनेक्टिंग लॉड रॉड लेंथ टू क्रैंक रेडियस इज केप्ट वेरी लार्ज इन ऑर्डर टू सेम रिपीट हो गया है मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्सेज। आगे बढ़ते हैं। इफ सी बी द फ्रैक्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ऑफ मास एम टू बी बैलेंस्ड पर सिलेंडर ऑफ स्टीम लोकोमोटिव विद क्रैंक रेडियस आर एंगुलर स्पीड ओमेगा डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ टू सिलेंडर्स ए देन मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम स्वइंग कपल इज गिवन बाई। देखिए पहले स्वइंग कपल का हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं, सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम स्विंग कपल की वैल्यू होती है प्लस माइनस ए डिवाइड बाई रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, इसको आप रट लीजिए, प्लस माइनस ए बाई रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा। मल्टीप्लाई में सारी चीज़ें, हाँ ए बाई रूट टू है ही नहीं इसमें, तो इसमें थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो गया, ऑप्शंस में गड़बड़ है, तो नन ऑफ द मेंशन में जाएंगे, लेकिन यहाँ फार्मूला आप याद रखिएगा ए बाई रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये आपका मैक्सिमम स्विंग कपल की वैल्यू है। ठीक है, और कब मैक्सिमम होता है 45 डिग्री टू 25 डिग्री पे। स्विंग कपल इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ क्रैंक लाइन ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल टू, पहले बता दिया हमने 135 एंड 225, पीछे हमने बता दिया ना, सॉरी 45 एंड 225, ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। सारी बातें हमने पहले ही डिस्कस कर ली है। द ट्रैक्टिव फोर्स इज मैक्सिमम और मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द क्रैंक टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज इक्वल्स टू। ठीक है, ट्रैक्टिव फोर्स कब मैक्सिमम होगा, ट्रैक्टिव फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जब आपका थीटा 135 और 315 होगा, तब आपका मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स होगा। कितना होगा, 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसमें 135 डिग्री रख देंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, यानी कि मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है प्लस माइनस अंडर रूट टू मल्टीप्लीकेशन में स्विंग कपल की 1/√2 हो जाता है और ए बाई रूट टू। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारे 1 माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर सही है, सेम है। ये किसकी वैल्यू है, ये मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स की वैल्यू है, कब होगी 135 और 315 पे। द स्विंग कपल इज ड्यू टू, भाई स्विंग कपल किसकी वजह से होता है, प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ना, और प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से, और टू सिलेंडर लोकोमोटिव का तो होना ही चाहिए, लेकिन प्राइमरी अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से स्विंग कपल आता है। आगे बढ़ते हैं। इन अ लोकोमोटिव द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द अनबैलेंस्ड फोर्स अलॉन्ग द परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन है, सबको पता है इन लोकोमोटिव जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ अनबैलेंस फोर्स परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो लाइन ऑफ स्ट्रोक है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हैमर ब्लो। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ सिलेंडर इन लोकोमोटिव हैविंग क्रैंक एट राइट एंगल, अभी पता है 90 डिग्री किसमें होता है, जब दो आपके सिलेंडर होते हैं। फॉर अ टू सिलेंडर लोकोमोटिव द क्रैंक प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स, ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स होगा ना, जो पार्शियल बैलेंसिंग करते हैं रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स का, तो अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स आते हैं। ठीक है, यही तो होता है। आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द पार्शियल बैलेंसिंग देर इज अनबैलेंस्ड फोर्स ओनली अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, बिल्कुल गलत बात है, परपेंडिकुलर भी तो आता है एक फोर्स जिसकी वजह से हैमर ब्लो आता है। इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस, देखो अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स है अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, स्विंग कपल, कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स। देखो ट्रैक्टिव फोर्स तो करता है लेकिन कॉन्स्टेंट ट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है, वो वेरिएबल ट्रैक्टिव फोर्स होता है, स्विंग कपल प्रोड्यूस करता है, बिल्कुल सही बात है, ये सब तो गलत है, यानी स्विंग कपल के साथ हम लोग जाएंगे। द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड प्राइमरी फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज टू प्रोड्यूस वेरिएशन इन प्रेशर ऑन रेल्स, बार बार देख चुके हैं, हैमर ब्लो, अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है एक ही सवाल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ऑन द रेल्स, हैमरिंग एक्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
हैमर ब्लो इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ अनबैलेंस फोर्स, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है भाई, वो तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है लाइन ऑफ स्ट्रोक के। द रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू द टू सिलेंडर अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज, क्या कहलाता है, ट्रैक्टिव फोर्स। रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड फोर्स ड्यू टू द टू सिलेंडर अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक इज नोन एज ट्रैक्टिव फोर्स। अगर कपल पूछ रहा हो तो स्विंग कपल होता, ठीक है। ट्रैक्टिव फोर्स इज प्रोड्यूस ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक, बिल्कुल गलत है, गलत है भाई, वो तो अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक होता है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्रीज द ट्रैक्टिव फोर्स अटेन मैक्सिमम वैल्यू, भाई 135 315 पे होता है, तो यहाँ 135 ऑप्शन है, 135 के साथ जाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें हम लोग देख चुके हैं। एट विच द एंगल इन द डिग्रीज डज द ट्रैक्टिव फोर्स अटेन्स मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू कब है भाई, देखो एक तो एक आपका क्या था 135 और 315, तो 135 तो है नहीं, 315। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स इन न्यूटन विद द फॉलोइंग डाटा, भाई मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ट्रैक्टिव फोर्स पूछा जा रहा है, फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, प्लस माइनस रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ये मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। और ट्रैक्टिव फोर्स कितना है, वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, मैक्सिमम कब होता है 135, 315 रख दिया 135, तो ये वाला फॉर्मूला आ गया मैक्सिमम वाला, ठीक है। अब इसके अंदर सारी वैल्यू रख दो, मास गिवन है, एन गिवन है, एन गिवन है तो आप ओमेगा निकाल लोगे वहाँ से 2π n/60 से, सी गिवन है, आर गिवन है, सारी चीज़ें यहाँ पर रखिए और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा फटाक से, ठीक है। 27636 द अनबैलेंस्ड फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक फॉर टू सिलेंडर कंस्टिट्यूट, भाई अबाउट द सेंटर लाइन ऑफ द बिटवीन द सिलेंडर, ये तो सारी बातें आपको पता चल चुका है ना कि क्या करेगा अनबैलेंस्ड फोर्स अलॉन्ग द लाइन ऑफ स्ट्रोक फॉर द टू सिलेंडर, क्या बनाता है भाई, कपल ही तो बनाता था, स्विंग कपल, तो इसलिए कपल ही तो बना रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेंडेंसी टू स्वे इंजन इन अल्टरनेटली इन क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, जो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में स्वे करने का यानी कि लहराने का, कौन लहराता था, पहले बता चुके हैं, स्विंग कपल। स्विंग कपल कब मैक्सिमम होगा आपको बता चुके हैं, 45 डिग्री और 225 डिग्री, 225 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, 45 डिग्री, और 55 पर लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इफ द मैक्सिमम वैल्यू अकर्स एट 45 डिग्री देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री विल द स्विंग कपल अटेंस मैक्सिमम वैल्यू अगेन, बताए ना 45 डिग्री 225, तो 45 हो चुका है तो 225 पे मैक्सिमम होगा स्विंग कपल। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्विंग कपल इन न्यूटन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, वही सेम डाटा गिवन है, आपसे स्विंग कपल पूछा जा रहा है, वो भी मैक्सिमम वाला, मैक्सिमम का मतलब क्या है, प्लस माइनस ए बाई रूट टू वन माइनस सी एम ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। मैक्सिमम ट्रैक्टिव फोर्स का क्या है, रूट टू इन टू है, यहाँ पर ए बाई रूट टू है, सी पता है आपको 2/3, एम पता है 200 के जी, ओमेगा आपको गिवन है 300, 2π n/60 से निकाल लेंगे, रेडियस गिवन है, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन है, ए गिवन है, सब कुछ रखेंगे आप फॉर्मूले में और आंसर कैलकुलेट कर लेंगे 78176। आगे बढ़ते हैं। फॉर द सेकेंडरी एंड बैलेंसिंग ऑफ द इंजन विच ऑफ द कंडीशन इज नेसेसरी, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन मस्ट बी क्लोज, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन मस्ट बी ओपन, प्राइमरी फोर्स, भाई सेकेंडरी जब हॉप की बात चली तो प्राइमरी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन मस्ट बी क्लोज, ये बात सही है, और सेकेंडरी कपल पॉलीगन मस्ट बी क्लोज, तो वो पूछा नहीं गया है यहाँ पर, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ये वाला ऑप्शन सही है। तो सेकेंडरी फोर्स को बैलेंस करते समय क्या होता है, सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन क्लोज होना चाहिए, सेकेंडरी कपल पॉलीगन भी क्लोज होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन मल्टी सिलेंडर इन लाइन इंजन ईच इमेजिनरी सेकेंडरी क्रैंक विद मास अटैच टू द क्रैंक पिन इज इंक्लाइन टू द लाइन ऑफ स्ट्रोक एट विच एंगल, भाई ट्वाइस द एंगल ऑफ क्रैंक पता है ना, टू थीटा। आगे बढ़ते हैं। इफ सेकेंडरी कपल पॉलीगन इज ओपन, ठीक है, एंड द फोर्स पॉलीगन इज क्लोज, देन स्टेबिलिटी इज अचीव्ड, नहीं ना, दोनों ही कपल पॉलीगन और फोर्स पॉलीगन दोनों ही क्या कहते हैं आपका, क्लोज होना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया गया है, और इसलिए इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अगर आपको कंटेंट अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिप्टन क्लासेस।